the Jews! Hold the Jews! Hold the goddamn Jews! हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य डिफेंस कैरियर। दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सवाल कर रहे कि इंडियन नेवी एमआर का वर्क एनवायरनमेंट क्या है, क्या ज़्यादातर कैंडिडेट को खाना बनाना ही पड़ता है इंडियन नेवी में, और उनका वर्क और कितना रहता है। इस वीडियो पर हम सारे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आएगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इंडियन नेवी एमआर में काफ़ी सारे ट्रेड होता है, जैसे आपका सेफ होता है और उसके साथ एवॉर्ड होता है और उसके साथ हाइजीनिस्ट भी होता है। तो वहीं सेफ की बात करूँ तो सेफ में ज़्यादातर आपको शिप में आपको इलेक्ट्रोड किया जाएगा, शिप सबमरीन में आपको खाना बनाना पड़ेगा। दोस्तों जी हाँ, जितने मेन्यू के हिसाब से पर आपको वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना बनाना आना चाहिए, और उसके साथ अकाउंटिंग आपका जो राशन रहेगा शिप में उनका अकाउंटिंग हिसाब करना पड़ेगा। उसके साथ फायरिंग आर्म्स एंड उसके साथ काफ़ी सारे ड्यूटी एलोटेड किया जा सकता है नेवी के सर्विस के अनुसार, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। तो वहीं इंडियन नेवी दूसरे ब्रांच स्टेवर्ड की बात करूँ तो आपको ऑफिसर मेस में आपको खाना सर्व करना पड़ेगा, है ना, एज एन वेटर। और उसके साथ आपको हाउस कीपिंग, अकाउंटिंग, फंड्स और उसके साथ जो आपका स्टोर रहेगा शिप में जितना भी राशन आएगा उनका जो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और उसके साथ आपका जो मेन्यू रहेगा आपको इस दिन ये आइटम होगा ऐसे होगा उनका दोस्तों प्रिपरेशन भी स्टेवर्ड कैंडिडेट ही करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके साथ फायर आर्म्स और उसके साथ काफ़ी सारे जो अदर वर्कर भी इंडियन नेवी अलॉटेड कर सकते हैं आपको। तो वहीं नेक्स्ट ट्रेड है इंडियन नेवी एमआर में जो आता है हाइजीनिस्ट। दोस्तों, हाइजीनिस्ट में ज़्यादातर आपको हाइजीन रखना पड़ेगा, जैसे वॉशरूम, टॉयलेट, इस तरह जो आपको ज़्यादातर साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इंडियन नेवी में जितने भी शिप होता है उसका फ्लोर सारे और आपको क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। नेवी के सर्विस के अनुसार आपको काफ़ी सारे ड्यूटी भी अलॉटेड किया जा सकता है ना। तो ये था पूरी तरह से वर्क एनवायरनमेंट इंडियन नेवी एमआर का। वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो पर इतना ही। अभिरक्त जय हिंद, जय भारत।